ये क्या हो गया? ये रस्सी कहाँ फंस गई? लगता है कोई बड़ी मच्छी फंसी है। कुछ तो गड़बड़ है, खुद ही मार के देखना पड़ेगा। चलो ले चलो बराबर जल्दी। बाबू तुम तो पक्का मालूम है यही वो जगह है? हाँ यही जगह है वो साहब, मैंने निशानी छोड़ी है। चलो आप चल के देखते हैं लाश पानी के नीचे क्या कर रही है। साहब बोट के नीचे लाश आप निकालेंगे कैसे? फिर भी कुछ तो कर रही होगी, देखना पड़ेगा। साहब शाक मुझे कभी भी बेचा रहता है। शाक? अरे यार अभी बोलना था जब पानी में जा रहे हैं। चल चल कोई बात नहीं, देखो संभल के जाना पानी के अंदर, समझे? जैसे आराम से। लाश को बांध देंगे सर, जैसे ही रस्सी को झटका मारेंगे लाश को पकड़ेंगे। ठीक है। काफी देर हो गई, अब तक सिग्नल कैसे नहीं दे रहे ये लोग? बाबू यही जगह है ना? हाँ यही जगह है साहब, निशानी भी यही छोड़ी थी। आराम से
करी थी। लाश को देख के नहीं लगता कि ये अपने आप पानी में कूदा है, इसे किसी ने मारा है और फिर कि लाश को पानी में फेंक दिया है। सर अच्छा हुआ इस मछुआरे ने वक्त पे देख लिया लाश को, नहीं तो चार के मछली भी खा सकती थी इसको। खूनी ने सोचा होगा कि दो चार दिन में लाश गायब हो जाएगी। आप जानते हैं? नहीं साहब, मैं नहीं जानता इसे। खड़ी, तुम और विवेक इस नाव में अभिजीत और दया करो, तब तक हम इस लाश को किनारे पर लेकर जाते हैं, पूछते हैं लोगों से कोई जानता है क्या इसे। चलो भैया बाबू। आप लोग जरा इस लाश को अच्छी तरह से देखिए, क्या आप में से इसे कभी किसी ने देखा है, कोई जानता है इसे, पहचानता है? हाँ देखो, अच्छी तरह से देखो। है ना? नहीं, मैंने नहीं देखा। देखो घबराइए मत, अगर पहचानते हो तो बताइए, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। नहीं सर, इसके कपड़ों को देखकर लगता है कि ये अच्छे घर से है, यहाँ आसपास का तो नहीं लगता। हाँ सर, सब जगह से एक ही बात पता चल रही है, जहां पर भी खुर्चो अंदर से अलग अलग रंग निकल कर आ रहे हैं। ये देखिए सर, पेंट। हाँ मगर डॉक्टर सोनाली, इसमें नई बात कुछ नहीं है, हर बोर्ड को दो तीन चार महीनों में एक नया रंग लगाया जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन इस बोर्ड में नई बात है। मतलब ये सर कि इस बोर्ड को अभी अभी पेंट किया गया, इस पर ताजा पेंट है सर, कुछ तीन चार दिन पहले किया गया। क्या? यस सर। मतलब इस नाव को पेंट किया गया और उसके बाद इसे पानी में ले जाया गया। हाँ। कमाल, नाव को पेंट करने के बाद ले गया और पानी में डुबो दिया, ये चल क्या रहा है कूनी के दिमाग में? अभिजीत तो समर्थ को पानी में डुबो के मारना चाहता था, हो सकता है उसने समर्थ को इसी नाव में बिठा दिया और बीच समुन्द्र में ले गया डुबोने के लिए। बिल्कुल बस, बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि जिस पत्थर से उसने इस बोट में छेद किया उसी पत्थर से उसने इस बोट को बांधा, इस पत्थर से। मतलब ये पत्थर पहले से ही बोट में था? बिल्कुल सर, इस पत्थर के कुछ टुकड़े इस सुराख के पास मिले, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये टुकड़ा इसी पत्थर का है, ये कैसे कह सकती हैं आप? अभिजीत काम करते हैं भाई, मैंने इस पत्थर के टुकड़े को इस पत्थर के साथ मैच करके देखा। एक बात है सर कि अगर ये पत्थर का टुकड़ा इसी बोट में था तो हो सकता है कि खूनी भी इसी बोट में बैठा होगा, तभी तो उसने बोट में छेद कर दिया। बिल्कुल। तो जिस आदमी का खून हुआ, जो डूबकर मरा, वो चुपचाप बैठकर देखता रहा, अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? मौत उसके मुंह के सामने थी, मारने वाला उसके सामने बैठकर नाव में छेद कर रहा था और मरने वाला कुछ नहीं बोला। हाँ वो चुप बैठा रहा, या फिर ये कह लीजिए वो चुपचाप लेटा रहा। तुम्हारे कहने का मतलब है ये पहले से ही मरा हुआ था? हाँ सर, ये मरा हुआ था। इसकी लाश को घसीटते हुए उस बोट तक ले जाया गया, फिर बीच समंदर जाकर नाव में छेद किया और इसको डुबो दिया। बीच समंदर में नाव को डुबोया गया और खूनी खुद नहीं डूबा? अब ये तो हमें पता नहीं। हाँ लेकिन सर एक बात जरूर पता चलिए, जो पानी हमें इसके पेट में से और इसके फेफड़ों में से मिला है, ये वाला, ये कोई समुद्र का पानी नहीं है बल्कि स्विमिंग पूल का है। क्या? स्विमिंग पूल का पानी? हाँ सर, इसकी मौत स्विमिंग पूल में ही हुई है। तो अभिजीत, ये सब करने वाला कोई अच्छा तैराक ही होना चाहिए, अच्छा स्विमर। क्या
और तो और बॉस, जब खून हो रहा था उस नाव में एक औरत भी बैठी थी। क्या? तीन लोग बैठे थे इस नाव में? तीन नहीं होंगे, दो होंगे। तो सुन के तुम्हारे कहने का मतलब है कि इन दो में से एक औरत थी और उस औरत ने खून किया? औरतों का क्या भरोसा है इसी भी साहब? एक्सक्यूज मी डॉक्टर सालुके, सॉरी। तो आपका कहना है कि शायद खूनी कोई औरत है? मगर सर, लाश को डुबाने के बाद इतनी दूर तक औरत तैर के आई होगी क्या? वही तो अभिजीत, इसी बात का तो डाउट है, मगर होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। विवेक, अच्छा ओके ठीक है, हाँ मैं आता हूं। सर विवेक का फोन था, इस आदमी का पता चल चुका है, इसके घर वालों को लेके आ रहा है। गुड, इस नाव के मालिक को ढूंढो, पकड़ो उसे, पूछताछ करो उससे। सब साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। तुम ये बात साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम्हारी नाव वहां पे कैसे पहुंच गई जहां पे लाश मिली है? मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता मेरी नाव वहां कैसे चली गई। क्या नाव? क्या छोटी मोटी चीज है, हवा में उड़ के चली गई? देखो ज्यादा ड्रामा मत करो, समझे? जो कुछ सच सच है बता दो, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। किसी ने बोला है तुम्हें चुप रहने के लिए? नहीं साहब, मैं इतना ही कह सकता हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। तुम्हें ये तो मालूम होगा कि तुम्हारी नाव समंदर में कैसे पहुंच गई। मुझे नहीं मालूम, कल शाम मैं नाव किनारे पे रखी थी, सुबह आकर देखा तो मेरी नाव गायब थी। मैंने रिपोर्ट भी करवाई थी। क्या? ये देखिए सर, ये देखिए। अगर इसके बाद भी आपको विश्वास नहीं होता तो आप गांव वालों से पूछताछ कर सकते हैं। सच बोल रहा? नहीं मालूम? नहीं मालूम साहब। ठीक है, अभी तुम जाओ, बाद में जरूरत पड़ेगी तो बुलाऊंगा। ठीक है साहब। क्या सर, ये रंजीत है और ये शालिनी, दोनों प्रोफेसर हैं, उस लाश के बारे में जानते हैं सर। आप लोग पहचानते हैं सर? जी हाँ, पहचानते हैं। आप लोगों का कोई रिश्तेदार था ये? जी नहीं सर, इनफैक्ट वो हमारे साथ ही कॉलेज में पढ़ाते थे। मतलब वो आप लोगों की तरह प्रोफेसर था? जी हाँ। कौन से कॉलेज में पढ़ाते हैं आप लोग? सर, एक्सटी कॉलेज मलाड। आप लोगों के साथ कॉलेज में पढ़ाते थे तो काफी कुछ जानते होंगे आप लोग उसके बारे में। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? जी नहीं सर, इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, सबसे मिलजुल के रहते थे, काफी मिक्सिंग नेचर था उनका। अच्छा, इनकी फैमिली परिवार में और कौन कौन है? नहीं सर, अब तो इसके फैमिली में कोई नहीं रहा। इसकी बीवी थी नलिनी, वो 2 साल पहले गुजर गई। कैसे हो गई उनकी मौत? कैंसर था उसका। और एक बात सर, बीवी के मरने के बाद वो एकदम चुपचाप सा रहने लगा। जी हाँ सर, चुपचुप तो रहते ही थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कॉलेज भी लेट आया करते थे और फिर बिना कुछ कहे निकल जाते थे। और सर, पिछले 2 दिनों से तो वो कॉलेज में आया ही नहीं। अच्छा, सर इतने अच्छे आदमी को किसी ने क्यों मारा होगा? उसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। कोई पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है काजल, कॉलेज में जाके एक एक से पूछताछ करनी पड़ेगी, शायद पुरानी कोई कहानी पता चल जाए। सर, हाँ,
सब जगह जले हुए पेपर्स। हाँ सर। अरे आपके भी हाथ में जले हुए पेपर्स? पूरी तरह से जल गए, सवाल के लिए जाना पड़ेगा। देखो ये पेपर बच गया, सर लगता है सब कुछ जला दिया है। सर सारे सबूत जलकर तो खाक हो गए। नहीं काजल, सबूत अभी भी बचे हैं। खूनी ने सारे सबूत जलाने की कोशिश की है पर ये पेपर बच गया। इसे ध्यान से उठाओ, फॉरेंसिक लैब लेके चलते हैं। एक मिनट, ऐसा नहीं, किसी चीज पे उठा लो ना इसे। तो उठाएंगे कैसे सर? ये जले हुए पेपर्स टूटने नहीं चाहिए, इसे साबुत के साबुत उठाओ। सब जले हुए कागजों से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तुम डॉक्टर सालुंके को नहीं जानती हो, बाद में कुछ भी कर सकता है। ये जले हुए पेपर्स क्या चीज है? इसके ऊपर से वो पढ़ लेंगे। अगर इन्हें साबुत उठा लो तो इस पेपर को बड़े प्यार से इसके नीचे से लाना, सवाल को उसके नीचे डालना और इन पेपर्स को उसके ऊपर लाने की कोशिश करो। ध्यान से मगर। सालुंके, हैरानी की बात यह कि घर में जहां भी देखो जले हुए कागज के टुकड़े, जरा ढूंढ के बताओ यार क्या है उन कागजों में। देखिए और पूछ आ, अभी पता चलता है क्या है इन कागज के टुकड़ों में। तारिका। यस सर। जरा स्प्रे देना प्लीज। जी सर। क्या है इन कागज के टुकड़ों में? सर थैंक यू। यह सड़ंग के कुछ कागज चिपक भी सकते हैं। हाँ हो सकता है ऐसा हो, लेकिन कुछ पेपर बच भी सकते हैं। अब तो इन कागजों को उठा सकेंगे ना? हाँ बिल्कुल। यार जल्दी करो सड़ंग के, वक्त नहीं है हमारे पास। दो मिनट रुको यार, स्प्रे अपना काम कर रहा है फिर पता लगता है। अभी सड़ूंगे कुछ मदद करूं? नहीं मैं कर रहा हूं। थैंक यू। हाय। ये तो लेटर्स हैं जो किसी ने इस समर्थ को लिखे। क्या लिखा क्या इसमें? धमकी दी गई है इसे। धमकी दी है? देखो सर। ये देखो ये दो शब्द एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। विल डाई। अब इन दो लेटर्स से तो ऐसा ही लगता है कि किसी ने धमकी ही दी है उसे। सर ये इस तरह का लाल कागज जो जले हुए कागजों के साथ हमें मिला है, ये या तो गिफ्ट देने के लिए या फिर लव लेटर्स लिखने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक लीफ का लोगो भी बना हुआ है। सर बड़ा अजीब खूनी है ये, धमकी देता है पर वो भी लव लेटर वाले कागज। बस मुझे लगता है कोई प्यार व्यार का चक्कर है। पर सर समर्थ की तो शादी हो चुकी थी,
देखो भाई, जो मुझे लगा वो मैंने बोल दिया। अब ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये तो आप लोग देखिए। और हाँ, एक बात आई बॉस, ये देखो, ये इसकी उंगली पर ये निशान देख रहे हो? ये निशान एक अंगूठी का है। इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, उसके साथ जिसके साथ इसका अफेयर होगा, और उस झगड़े के दौरान इसने ये प्यार की निशानी, ये अंगूठी निकाल करके फेंक दी होगी, और यही झगड़ा इसकी मौत का कारण है। कमाल है डॉक्टर साहब, एक छोटा सा निशान देख के आपने इतनी लंबी कहानी लिख दी है। मुद्दे की बात यह है अभिजीत कि इसकी उंगली में एक अंगूठी थी जो अब नहीं। और एक बात, ये इसके बाएं हाथ की हथेली पर देखिए, ये एक चोट का निशान है। मुझे लगता है बॉस, मरने से पहले इसने किसी नुकीली चीज को पकड़ा होगा और उसकी वजह से घाव बनाया इसके हथेली में। अभिजीत, इस लाल कागज के बारे में पूरा पता लगा। प्रिंसिपल साहब, आपने समर्थ को आखिरी बार कब देखा था? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले? वो छुट्टी लेकर गया था या अपने आप ही आना बंद कर दिया था उसने? बस अचानक आना बंद कर दिया उसने। मैं तो खुद उससे मिलने वाला था। वो क्यों? मैं उससे ही पूछना चाहता था कि अचानक उसे क्या हो गया है। एकदम चुपचाप सा रहने लगा था, अचानक बदल बदल सा गया था वो। पढ़ाने में भी उसका मन नहीं लगता था। वो यहाँ पे बैठता कहाँ था और अपना सामान वगैरह कहाँ रखता था? हमारे एक लॉकर रूम है, हमने अपने सभी प्रोफेसर को एक लॉकर दिया हुआ है, उन्हें जो कुछ रखना है उसी में रखते हैं। चलिए, तो पहले से खुला हुआ है। अरे, ये लॉकर खोला किसने? कहीं ऐसा तो नहीं कि समर्थ ने चाबी किसी को दे दी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समर्थ अपनी चाबी किसी को देगा नहीं, और कोई भी बाहर का आदमी अंदर घुस नहीं सकता। ये ताला ही काटा गया, ताला काट के लॉकर खोल दिया गया। देखिए, इस लॉकर में कुछ है भी या नहीं। ये क्या है? इसे पहचानते हैं आप लोग? अरे, ये तो समर्थ की बीवी है। समर्थ की बीवी? सर, उसकी बीवी की फोटो पे स्क्रैच मारा गया है, तब कुछ कुछ समझ में आने लगा है। इसका मतलब खूनी जो कोई भी है इसी कॉलेज में ही है। पेड़ की पत्ती कार्ड को जलाया गया है। क्यों, क्या छुपाने के लिए जलाया गया इस कार्ड को? विवेक, पता चला ये पेड़ की पत्ती किस कंपनी का लोगो है? तो ढूंढ रहा हूं, अभी बताता हूं। कार्ड को जलाया नहीं होता तो काम आसान हो जाता। कार्ड को जलाया गया इसका मतलब है सर, दाल में कुछ काला है। समझ गया। मिल गया, किस कंपनी का लोगो है? सोना मैजिक कंपनी से। ये पत्ती उसी कंपनी का लोगो है। सोना मैजिक कंपनी कार्ड्स बनाते हैं, गिफ्ट्स भी बनाते हैं। पता करो इस कंपनी की कहां कहां पे दुकानें हैं शहर में। यस सर। सर, जैसा कि प्रिंसिपल ने बताया था कि कॉलेज के लॉकर तक वही आदमी पहुंच सकता है जो कॉलेज का हो, तो अगर हम ये मान लें कि समर्थ का लॉकर कॉलेज के किसी आदमी ने तोड़ा है, तो खूनी फिर कॉलेज का ही कोई आदमी है सर। और एक बात अभिजीत, समर्थ के बीवी के फोटो पर उस आदमी ने इतने सारे स्क्रैचेस मारे हैं, क्यों? इतनी नफरत करता है वो समर्थ के साथ या फिर उसकी बीवी के साथ? ये कोई आसपास का ही आदमी है सर। कॉलेज का कोई प्रोफेसर हो सकता है जो जल रहा हो इससे, या फिर उसकी बीवी की कोई सहेली भी हो सकती है सर जो इससे जलती हो। बीवी की सहेली हो सकती है? क्या वो भी उसी कॉलेज में होगी? शायद हो सर। और खून भी उसी ने किया होगा?
हो सकता है सर। और सर शायद ये लेटर जो उसी ने भेजे होंगे जो समर्थ ने अपने घर में जला दिए, हो सकता है कि ये धमकी भरे खत हो। अभिजीत, समर्थ को स्विमिंग पूल के पानी में डुबो के मारा है, डुबो के। ये स्विमिंग पूल सर या तो कॉलेज के पास में होना चाहिए या फिर समर्थ के घर के आसपास। ढूंढो इस स्विमिंग पूल को। क्या चाहिए साहब? कुछ कार्ड वार्ड मिलेगा? कार्ड वार्ड मिलेगा लेकिन नया स्टॉक नहीं आया है, पुराने वाला ही है। अगर उनमें से चाहिए तो ले लीजिए। हमें तो पुराने वाले ही चाहिए। ये इस तरह के कार्ड आपके पास मिलते हैं ना? जी हाँ, हमारे यहाँ पे मिलते हैं। और भी कार्ड होंगे इस तरह के? हाँ हैं। कितने लेने? लेने नहीं है, जाके दिखाओ जरा। जाके दिखाओ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, हम लोग CID से। CID? अभी लाता हूँ। सर शायद समर्थ ने कार्ड यहीं से खरीदा होगा। हो सकता है, उसका घर तो पास में ही है। लव कार्ड। डॉक्टर सालूम के सही कह रहे थे, ये कोई प्यार व्यार का चक्कर है। तभी तो समर्थ के पहले बीवी के फोटो पे किसी ने स्क्रैच मारा था। देखते हैं यहाँ क्या पता चलता है। समर्थ की लाश इस स्विमिंग पूल के पास से ही मिली है। Excuse me, ये मैनेजर कौन है यहाँ पे? जी कहिए, क्या काम था? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। हम लोग CID से हैं। CID यहाँ पे? जरा ये फोटो देखिए, इस आदमी को देखा है पहले कभी? जी नहीं सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। आप पहचानते इसे? जी नहीं सर। अपने सारे स्टाफ को बुलाइए यहाँ पे, खून का मामला है, तब से पूछताछ करनी पड़ेगी। फोटो को गौर से देखो, तुम में से किसी ने इस आदमी को देखा है यहाँ पे? नो सर। आपने? नहीं। आपने? क्यों, लगता है देखा है तुमने इसे? कुछ याद आ रहा है, है? कुछ हिल रहा है दिमाग में? आराम से याद करो। देखा इसे? हाँ सर, देखा हूँ। देखा? गुड, कहाँ पे देखा है? ऑफिस के बाहर। ऑफिस के बाहर? यहाँ? कब देखा? कल शाम करीब 7:30 से 8 बजे तक। आप लोग जाइए, अपना काम कीजिए। क्या कर रहा था वो ऑफिस के बाहर? जब मैंने देखा तो इधर से उधर घूम रहा था। घूम रहा था? अकेले था या उसके साथ में कोई और भी था? नहीं, अकेले था, उसका साथ कोई नहीं था। अंदर घुसते देखा तुमने उसे स्विमिंग पूल एरिया में? नहीं मैडम। अच्छा ठीक है, ठंडे दिमाग से सोच के बताओ, उसे कोई यहाँ पे मिलने आया था? सर रविवार हमारा स्विमिंग पूल बंद रहता है, तो ऐसे भी मेरा ड्यूटी का टाइम खत्म हुआ था, तो मैं ऑफिस बंद करके घर चले गया। उसके बाद कहाँ गया, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है ठीक, ये तो पक्का हो गया कि समर्थ यहाँ पे आया था। चलो जरा स्विमिंग पूल एरिया देखते हैं। सब लोग उसे कहो कि बाहर आ जाए और उस तरफ जाकर खड़े हो जाए। बच्चा सब बाहर आइए, बाहर से लाइन लगाओ, इस तरफ आ जाओ, सब लोग बाहर आ जाओ, आ जाओ, सब लाइन लगा, चलो आओ, बच्चे बाहर आओ। क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम, उस तरफ प्लीज आइए, आइए आइए सब लोग। एक काम करो, पूरे एरिया को अच्छी तरह से छान मारो।
जा। हाँ विवेक, क्या है? ये देख। ये तो इंसान की चमड़ी है। हो सकता है सर बच्चे को चोट लगी हो। यहाँ पे किसी को चोट लगी थी क्या? हाँ? नहीं सर, हम लोग अपने कस्टमर्स का पूरा ख्याल रखते हैं और पूल के आसपास हमेशा एक्सपर्ट्स रहते हैं। तो फिर ये इंसान की चमड़ी यहाँ पे कैसे आई? पता नहीं सर। पता नहीं, मगर हमें पता है। किसकी है सर? काजल, डॉक्टर सालुंके ने बताया था ना कि समर्थ ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी और उसी कोशिश में उसके हाथ पे चोट लगी। सर इसका मतलब समर्थ की मौत यहीं पर हुई है। ये क्या कह रहे मैडम आप? जरा धीरे बोलिए, नहीं तो हमारा पुल बंद हो जाएगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सबूत बोल रहा है, समझे? सर खूनी ने समर्थ को यहाँ पर मारा, फिर उसकी लाश को ले जाकर समंदर में फेंक दिया ताकि किसी को पता ना चले। स्कूल के अंदर जाके देखना पड़ेगा। विवेक अंदर जाएगा? यस सर। जाके देखो। और आप लोग, आप सब लोग यहाँ से जाइए, यहाँ पे कोई भी नहीं चाहिए। कुछ मिला इसे। क्या? खूनी यहीं पे ऐसा है, इसी ऑफिस में। क्या मिला है दिखाओ जरा। ये देखिए अंगूठी, शायद समर्थ की है। सर सालों के सर ने भी यही कहा था कि समर्थ के हाथ में जो सफेद सफेद निशान थे वो अंगूठी का था। हो सकता है कि हाथापाई के वक्त अंगूठी उसके हाथ से गिर गई हो। अब क्या कहना है मैनेजर साहब? एक एक करके सबूत मिल रहे हैं यहाँ पे। सर मुझे कुछ मालूम नहीं है वाकई में। ये कहने से काम नहीं चलेगा, समझे? एक खून हुआ है यहाँ पे और किसने किया शायद तुम्हें मालूम है और तुम छुपा रहे हो। नहीं सर मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो फिर किसको मालूम है? हाँ मैनेजर होना यहाँ के। देखो चुप रहने से काम नहीं चलेगा, समझे? चुप रहने से काम नहीं चलेगा। लॉकअप में चलने की तैयारी करो, चलो। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, वैसे भी कल संडे था और हमारा स्विमिंग पूल बंद ही था और मुझे कुछ नहीं मालूम सर। स्विमिंग पूल बंद था तो आदमी अंदर आया कैसे? कैसे आया अंदर? खून कैसे हुआ यहाँ पे उसका? कोई यही का आदमी है जो इस खून में मिला हुआ है। खून हो गया और यहाँ पे किसी को कुछ मालूम नहीं। यहाँ पे जो भी लोग स्विमिंग सीखने आते हैं और जो जो लोग काम करते हैं उन सब की लिस्ट चाहिए मुझे। नाम दो सबके। अरे जरा रजिस्टर लेके आना। जब जब कोई खून होता है तो वहां के लोगों की याददाश्त चली जाती है और यहां भी यही हो रहा है, सबकी याददाश्त चली गई है। हैं? ये लीजिए। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खूनी खुद चल के आएगा हमारे सामने। वो कैसे सर? इतनी जल्दी क्या है, वो भी पता चल जाएगा। की स्विमिंग इंस्ट्रक्टर देखने से तो लग नहीं रही थी सर। सीधी शादी और चलाक निकली, तभी तो यहाँ आई है। आ,
पर इसने समर्थ को मारा क्यों? इसका तो कॉलेज से कुछ लेने देना था नहीं। सर हो सकता है कि समर्थ की पुरानी गर्लफ्रेंड हो। सर शायद सबूत मिटाने आई होगी, डर के मारे। काफी देर हो गई, ऊपर नहीं है। देखो देखो वो रहे, काजल देखो जरा। विवेक देखो देखो आंखों के सामने सामने किसी ने खून कर दिया इसका। सर हमने जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ, खूनी तो कोई और ही है। इस स्विमिंग पूल में ही कुछ गड़बड़ है सर, कहीं कोई आदमी तो नहीं है। काजल देखो जरा। सर देखती हूँ। कोई सुरंग भी नहीं है सर। कमाल है, इसका खूनी है कौन? ये लड़की डूबने से नहीं मर सकती, ये एक्सपर्ट थी। फिर इसकी मौत हुई कैसे सर? मैंने आज तक नहीं सुना कि जो इंसान दूसरों को तैरना सिखाता हो वो भी हर रोज वो खुद डूब कर मर जाए। सोनाली कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले इसका मर्डर कर दिया हो किसी ने और फिर इसको पूल में फेंक दिया हो? अरे नहीं नहीं सर, उनके ये तो अभिजीत की आंखों के सामने स्विमिंग पूल में कूदी है और फिर डूब कर मर गई। सर मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि मरने से पहले इसने क्या खाया पिया था, शायद उससे कुछ मदद मिल जाए। फिर ये लड़की कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेती थी? ड्रग्स? हाँ यार, जैसे LSD या मारुआना टाइप। मिल गया सर, इसके पेट से हमें कुछ ऐसी दवाइयां मिली है जिसे खाते ही शरीर की मसल्स पूरी तरह से ढीली पड़ जाती है। A very heavy dose of muscle relaxants. Muscle relaxer? Yes, sir. तो अभिजीत, जैसे ही दवाई इसके पेट में गई, इसके मसल ढीले पड़ गए और मसल्स ने अपना काम करना बंद कर दिया। जी। मसल्स ने काम करना बंद कर दिया, ये तैर नहीं पाई और डूब कर मर गई। एक बात है सर, इसने दवाइयाँ वहाँ पूल पे नहीं खाई हैं। हो सकता है ये दवाइयाँ बाहर से खाकर आई हो, अपने घर से। मगर सर जब इसे मालूम था कि ये दवाइयाँ खाने से हाथ पाँव काम करना बंद कर देते हैं तो इसने दवाई खाई क्यों? हाँ अभिषेक, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसे जबरदस्ती दवाई खिलाई? हो सकता है खूनी नहीं। सर जिसने भी ये ड्रग्स दिए इस मोना को, उसे केमिकल्स की अच्छी जानकारी, उसे अच्छी तरह से पता है कि मसल रिलैक्सिंग ड्रग्स देने से बड़ी आसानी से इसका काम तमाम हो जाएगा। जीत, केमिकल्स की अच्छी जानकारी, कॉलेज की केमिस्ट्री लैब। सर खूनी कहीं कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में तो नहीं काम करता? हो सकता है अभिजीत, हो सकता है। और एक काम, इस मोना के घर जाओ, अच्छी तरह से घर की तलाशी लो, देखो जरूर कोई ना कोई पक्का सबूत मिल जाएगा। किसी तरह से खूनी को पता चल गया कि हम लोग मोना के घर पहुंचने वाले हैं तो हमसे पहले वो हाजिरी दे लगा गया। लेकिन सर उसे पता कैसे चल रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं? यही तो बात है विवेक, ये वाला खूनी कुछ ज्यादा ही होशियार है। जो आदमी स्विमिंग पूल में खून करके लाश को समंदर में फेंक सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। देखते हैं क्या ढूंढने आया था वो, या और उसे वो चीज मिली भी है या नहीं।
छान मारता है। काफी जल्दी में था, सारा घर तहस नहस कर दिया। चले हुए कागज, सब उस कमरे में ये चले हुए कागज मिले। ठीक है, एविडेंस बैग में डाल दो। सर क्या बताया, कुछ मिला क्या? हाँ, वो जो कुछ भी ढूंढने आया था शायद उसे मिल गया, मगर लेके नहीं गया है, तब यहीं पे चला गया। क्या हुआ काजल, डायरी क्यों रख रही हो, कुछ है नहीं क्या? सब कुछ खास नहीं इस डायरी में। इस डायरी में से एक पन्ना गायब है जो एस से शुरू होता है। अब पता चल गया कि वो खूनी कौन है। चलो ठीक से करो। राकेश, राहुल, ये आप लोग क्या कर रहे हो? मैंने आप लोग से कहा था ना, दोनों केमिकल्स इक्वल डेंसिटी में मिलाना चाहिए। सॉरी। yes. चलो ये एक्सपेरिमेंट फिर से करो। हमें भी ये एक्सपेरिमेंट सिखाइए। ऑफिसर्स, आप लोग और यहाँ, मेरा मतलब है लेबोरेटरी में। क्या करें, पुराने दिन याद आ गए कॉलेज के, सोचा हम भी थोड़ा क्लास अटेंड करके देख लें। ये किस तरह की शरारत है? शरारत तो अब शुरू होगी जब आप जेल में जाएंगी। जेल? और मुझे? लेकिन क्यों? मोना और स्मर्थ की लाशें जो कह रही हैं, जेल में तो जाना पड़ेगा। एसीबी, रुक जाइए, मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना मैं ये एसिड आपके ऊपर फेंक दूंगी। एसीबी, कोशिश भी मत कीजिएगा मेरे नजदीक आने की। ताशा, रेडी, बच्चों को बाहर लेकर निकलो। देखिए, आपके ऊपर तो एसिड डाल ही दूंगी, लेकिन आपके साथ साथ इन बच्चों में भी डाल दूंगी। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, पागल को मत करो। देखो, मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ऑफिसर, ऑफिसर्स, शालिनी, हम स्टॉप, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। मैं इतनी बेवकूफ नहीं, सुना आपने, वहीं रहिए वरना मैं ये एसिड फेंक दूंगी। ऑफिसर, मत आना मेरे नजदीक, मैं बहुत सीरियस हूँ, ये एसिड आपके ऊपर फेंक दूंगी मैं। अरे क्यों, सुनो हमारी बात, मत करो ये, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें। अच्छा, आपको लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ? मेरी बात, छोड़ो मुझे। बस एक छोटी सी गलती कर दी आपने प्रोफेसर शालिनी। मोना के घर में अगर आपने एस्केलेटर का पन्ना नहीं फाड़ा होता उसकी डायरी से, तो शायद थोड़ी देर के लिए आप और बच जाते। ये सच है, मैंने ही समर्थ को मार दिया। क्यों, क्यों मारा तुमने समर्थ को? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। प्यार, प्यार वो मुझसे करता था, और शादी की तो नेहा के साथ। प्यार करने का मतलब ये तो नहीं कि तुम उसकी जान ले लो। ऑफिसर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, धोखा दिया उसने मुझे। उसी के खातिर आज तक मैंने शादी नहीं की, बस उसी का इंतजार करती रही। कब से जानती थी तुम उसे? दरअसल समर्थ और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ाया करते थे। एक दिन मुझे अचानक खबर मिली कि समर्थ की बीवी नेहा की मौत हो गई कैंसर से। तब मैंने सोचा समर्थ मेरे पास जरूर वापस चलाएगा, लेकिन नहीं, वो तब भी नहीं आया मेरे पास। मैंने उसे धमकी भी दी
कि मैं पानी में डूब के आत्महत्या कर लूंगी। तब वो डर गया और मुझे मनाने के लिए स्विमिंग पूल के पास आया, लेकिन मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने उसको वहीं पे स्विमिंग पूल में धकेल दिया और वो डूब कर मर गया, है ना? हाँ। लाश को कैसे लेकर गई तुम आज? वो मैंने अपने दोस्त मोना को बुला लिया वहां पे। ओ, तो तुम लोगों ने समर्थ की लाश को समंदर के किनारे एक नाव में रख दिया और बाद में उस नाव में छेद कर दिया, है ना? और फिर मोना को भी मार दिया। हाँ। क्यों? वो दरअसल मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन सीआईडी मोना को जरूर पकड़ लेगी और फिर मेरा सारा भेद खुल जाएगा, इसलिए मुझे मोना को भी मार देना पड़ा। प्यार ने कितना अंधा बना दिया तुमने कि तुमने दो दो लोगों की जाने ली। तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। If you want to enjoy more Desi Crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.